नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, अभी चल रहे हैं SSC के एग्जाम, आने वाले समय में रेलवे हैं, सभी एग्जाम में संविधान अर्थात पॉलिटी राजव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए इस वीडियो में 100 वो मुख्य बिंदु के साथ में क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में पॉलिटी से बनते हैं, और ये क्वेश्चंस सिलेक्टेड हैं, वेरीफाइड हैं। तो क्वेश्चंस को अंत तक सॉल्व करिए और अपने नोट्स बना लीजिए। वीडियो में सारे क्वेश्चंस A1 क्वालिटी के हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। ये 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए हैं उनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर रोज सुबह 6 बजे, फिर सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे 3 वीडियो अपलोड होते हैं, और ये तीनों वीडियो आपके एग्जाम में आपकी स्कोरिंग करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण तथ्य, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाने के लिए ऑथराइज्ड हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी क्वेश्चंस को आपने अपने एग्जाम में जरूर देखा होगा। तो क्वेश्चंस 100 नंबर तक A1 क्वालिटी के हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू वीडियो देखते हुए क्वेश्चंस पढ़ते चलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का अनुच्छेद 78वें संविधान संशोधन के तहत 78वें अनुच्छेद में है। माफ करिएगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, नगर पालिकाओं का संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की जाती है? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। गलतियां अगर होती हैं तो हम आपके लिए उसका सही क्वेश्चंस का आंसर भी बता देंगे। वैसे सारे क्वेश्चंस सही हैं, अगर आपको कभी कोई डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। देश में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी देश में एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉकेट वीटो जिसे आप जेबी वीटो का भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती जी को भारत में जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो कि आई थी 1946 में, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य, संविधान सभा के स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब बने? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 11 दिसंबर 1946 को ये स्थायी सदस्य अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947। दोस्तों ये डेट याद करिए, सीधी सीधी डेट पूछ ली जाती हैं, और जब डेट पूछी जाती हैं तो या तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं या तो गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो हैं संविधान पूर्व सोवियत संघ से मूल संविधान लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्य जो हैं संविधान के किस देश के संविधान से लिए गए? तो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A, मूल कर्तव्य जो हैं उनको अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में डाला गया है, रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो केंद्र और राज्य के अंदर शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं अनुसूची किस प्रकार की अनुसूची है और किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन करती है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई?
तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था इसके तहत संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद करके रख सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ये चार भाषाएं थी जो जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्यों को सरदार पूर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, पूर्ण सिंह की अध्यक्षता के या इनके कहने पर या इनकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पद जो है बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, वायसराय का पद कब सृजित हुआ या कब बना? तो वायसराय का पद 1858 का भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ था तब वायसराय का पद बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था इसने भारतीय संविधान पर काफी गहरा असर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? मतलब जो 1935 का अधिनियम आया उसको किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर का जो कि 1929 में हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य के रूप में बनाया गया? तो वो मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है अलग अलग तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का इस्तेमाल संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में जो हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के तहत प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश दी थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति जो थी उसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने हेतु
सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आया उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारत के देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार हैं उनको कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो इन्होंने संविधानिक उपचार के अधिकार को अनुच्छेद 32 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करिए, इसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। चैनल पर डे लाइव क्लास होती है और इस चैनल पर रोज हम आपके लिए टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं ऑफलाइन, तो आप लाइव क्लास के लिए ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जी संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। कुल टोटल संसद में 14 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति जी कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी तक मैंने आपसे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, ये तीनों पद वर्तमान में आपको बताना है। दोनों सदन की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति जी दोनों सदन की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत चुना जाता है। अनुच्छेद एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद करके रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अनुच्छेद वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। अगर आपने अनुच्छेद वाला वीडियो हमारा ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट वीडियो की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे अनुच्छेद वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। राष्ट्रीय आपात किस और कौन से अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपातकाल किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 19 का निलंबन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो संविधान का 44वां संशोधन जो कि 1979 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को जो है एक प्रकार से
मूल अधिकारों को एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए गए हैं? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य थे? तो प्राकलन समिति में लोकसभा के सदस्य थे और 30 सदस्य थे प्राकलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकलेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में टोटल होते हैं 22 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ये समितियां एग्जाम में पूछी जा रही हैं, एसएससी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को जिनका भी एसएससी का पेपर है उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, जिससे वो जाने से पहले अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकें। साथ साथ स्टेट पुलिस के जो भी एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने ग्रुप्स में ज़रूर इन क्वेश्चंस को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दिया जाता, कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये होता है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन, संविधान, पॉलिटी और राजव्यवस्था से रिलेटेड ये 100 क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप अपने दोस्तों तक इसकी लिंक को शेयर करके पहुंचा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप अगर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके या ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 सर्च करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पर रोज लाइव क्लास होती है और इस चैनल पर रोज वीडियो अपलोड होते हैं। एक होता है सुबह 6 बजे, एक होता है 10 बजे जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं, और एक होगा शाम को 7 बजे जिसको आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनके आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।